नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के जसूजा सिटी फेस 2 में पिछले दिनों सूने घर में चोरों ने घर साफ कर दिया। चोरी की घटना में सूने मकान से तकरीबन 11 लाख रुपए का सामान चोर कर ले गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। चौकी प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि जसूजा सिटी में अरोरा वाल्मीक और उनकी बहन रहती है। दशहरा के दौरान उनके परिवार के कुछ दशहरा देखने के लिए आए थे। अरोरा वाल्मीक अपने परिजनों के साथ मोटरसाइकिल पर दशहरा देखने के लिए गए थे। सुबह 4 बजे जब वो घर पर आए तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। पीड़ित परिवार ने उक्त घटना की शिकायत संजीवनी नगर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में बताया कि उनके घर पर तकरीबन 7 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब है। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर चोरों का पता लगा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक 11 लाख की चोरी का मामला सामने आया है, क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या जानकारी आई सामने अभी? जसूजा सिटी फेस 2 में अरोरा बाल्मी को उनकी बहन रहती है, उनके यहाँ दशहरा के दौरान दिनांक 23 तारीख को कुछ लोग परिजन भी आए थे और मोटरसाइकिलों से वो लोग पूरे शहर में घूमने के लिए 9:30 बजे निकले और जब वो लोग लगभग 4 बजे वापस आए हैं तो उनके घर का दरवाजा टूटा था, ताला टूटा था और थाने पर रिपोर्ट आने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा यह लिखाया गया है कि गाड़ी खरीद स्विफ्ट कार खरीदने के लिए 7 लाख रुपये नकद रखा गया था और सोने की चैन और अंगूठियाँ जो उनके पास रखे थे उनके दराज में, वो दराज तोड़ के चोरी हुई है। चौकी संजीवनी नगर में रिपोर्ट किए जाने पर अपराध का पंजीयन किया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को लोकेट किया जा रहा है। जल्दी चोरी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।